यार प्यास लग गई है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, मंच पर जो कभी बैठे हुए हैं सभी को प्रणाम करता हूँ। हिंदी दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और प्यारे भाई मुकेश और संदीप की सबकी मेहनत से आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है। संचालक महोदय ने परिचय दिया कि प्यारा मनीष ताली नहीं मांगेगा। मैं संचालक महोदय को बताना चाहता हूँ कि ये कोटा है, गोंडा वाले विश्वविद्यालय मांग रहे हैं और लेकर भी रहे। मैं आया हूँ, मैं ताली मांगूंगा भी और ये गोंडा वाले ताली देंगे भी। हाँ मैं शुरू होता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ नई नया रचनाएं सुनाऊं, नहीं आप ये कहेंगे कि वही पुराना वाला फिर सुना के चला गया। तो मैं शुरू होता हूँ कि कभी अनजान थी हस्ती। मुझे पता है कि नौजवान लोग बैठे हुए हैं। इस बार कार्यक्रम की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई भूतपूर्व युवा नहीं है, जितने सब युवा हैं तो मैं उनके मन की बात करूंगा। और ये जो आगे महनीय लोग बैठे हुए हैं, आरडी अध्यक्ष जी बैठे हुए, राजीव दादा बैठे हुए हैं, सीएमओ सर बैठे हुए हैं, मुझे पता है कि प्रेम की कविताओं पर आपके लिए बड़ी मुश्किल होती है कि अगर आप मुस्कुरा भी देंगे तो पीछे वाले समझेंगे कि इन्होंने भी की। तो मैं आपकी चिंता भी समझ सकता हूँ। जो महनीय लोग बैठे हैं मुस्कुराइएगा, कोई सेंटीमीटर वाला पैमाना माप कर मत मुस्कुराइएगा। मुस्कुराइएगा तो ऐसा लगे कि जैसे आप कभी सम्मेलन में बैठे हुए हो, जागृत हो। कि कभी अनजान थी हस्ती मुझे पहचान ने लूटा, कि कभी अनजान थी हस्ती मुझे पहचान ने लूटा, जिसे हम जान कहते थे हमें उस जान। देखो मुझे पता है लूटे हुए, जिसे हम जान कहते थे हमें उस जान ने लूटा। लूटी कुछ इस कदर हस्ती मेरी आकर जमाने में, लूटी कुछ इस कदर हस्ती मेरी आकर जमाने में, जो मेरे दिल में रहता था उसी भगवान ने, मुझे। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी सुनाऊं नहीं सुनाऊं। और जब राजनीति वाले लोग बैठे हुए होते हैं या कोई अधिकारी बैठे हुए तो मैं राजनीति पर वैसे भी कोई टिप्पणी करता नहीं हूं, क्योंकि हम लोग इस लायक भी नहीं है। मैंने मध्य प्रदेश के कार्यक्रम से मैंने सरकार के लिए कुछ टिप्पणियां कर दी। अगले दिन अधिकारी पहुंच गए, होटल में उठा के लेकर चले गए, बोले तुमने मंच से टिप्पणी की थी कि सरकार चोर है। मैंने कहा कि हाँ की थी। बोला आपने ऐसी टिप्पणी क्यों की? मैंने कहा कि मैंने ये थोड़ी कहा था कि कौन सी सरकार चोर है, अमेरिका की सरकार चोर है, पाकिस्तान की सरकार चोर है। अब वो अधिकारी मुस्कुराया, अच्छा मुझे ये भी नहीं पता कि जैसे कौन सी सरकार चोर है, तो इसलिए मैं टिप्पणी समझता हूँ, मुझे पता घर जाकर समझ आएगी, तब ताली बजाइएगा। मैं आपको चार पंक्तियों से और जोड़ता हूँ।